हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है। तो इससे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, इस पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए, तो उन वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन, सेकेंड चैप्टर आपका जो हमने बताया था नॉइस पॉल्यूशन, तो इन दोनों चैप्टर को हमने पढ़ाकर पूरा ख़त्म कर दिया है। तो इसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब आज से आपका दोस्त नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषण के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से आप लोग लगभग दोस्त पढ़ते हुए आ रहे हैं। जल प्रदूषण हो गया आपका, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, तो इन सब के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आने वाला है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं दोस्त, आपका जो जल प्रदूषण है वो होता क्या है। देखिए, जल प्रदूषण आपका एक सिंपल तरह से बोले तो आप लोगों को पता है, देखिए, जल हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। जो हमारा जल है, वाटर है, वो हमारे दैनिक जीवन में क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जल का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, ठीक है। जो आपका जल है उसका प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। जल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जीवित रहने के लिए, प्राणियों द्वारा पीने के लिए किया जाता है। जैसा आप लोगों को पता है, जल हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा किस लिए, पीने के लिए किया जाता है। अगर पानी को पिएंगे नहीं तो इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, एक तरह से बोले तो, ठीक है। मनुष्यों को पीने के लिए स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वर्धक जल की आवश्यकता होती है, परंतु पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी में जल स्रोतों का जल अब प्रदूषित होने लगा है, ठीक है। तो क्या है, जो मनुष्य है उसको जल पीने के लिए कौन सा स्वच्छ जल चाहिए, ताकि जो उसका शरीर है वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। अब जो आपका वातावरण है, मतलब कि आपका जो पर्यावरण है, उसमें क्या है, जो जल है वो काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हो रहा है, और इसका जो कारण है वो भी एक तरह से मनुष्य ही है, जो जल आपका प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। परंतु पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के जल स्रोतों का जल अब प्रदूषित होने लगा है। प्रदूषण के बारे में, जो आपका प्रदूषण के बारे में कारण, जल के साथ साथ कितने हानिकारक तत्व बॉडी में पहुंच जाते, कहने का मतलब जो आपका प्रदूषित जल, अगर वो मनुष्य प्रदूषित जल को आपका जो पी लेता है, तो उसके बॉडी में ना जाने कितने हानिकारक जो आपके तत्व है वो क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं, जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, बीमार भी हो जाता है, और कई अनेक तरह की जो क्या होती है, बीमारियाँ भी उससे होती हैं। अभी आपको दोस्त मैं बताऊँगा कौन कौन से बीमारियाँ आपको होती हैं अगर जो प्रदूषित जल को पीने से, ठीक है। जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर एवं बीमारी बना देता है, अगर आप प्रदूषित जल को पियेंगे तो जो क्या होगा, शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर और बीमार बना देगा। प्रदूषित जल शरीर के अलावा अन्य भौतिक संपत्तियों को भी नष्ट कर सकता है। सही बात है, जो आपका प्रदूषित जल है दोस्त, वो शरीर के साथ साथ अन्य जो आपकी भौतिक संपत्तियां हैं उनको भी नष्ट कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल प्रदूषण उत्पन्न करने के कारक, जो आपका जल प्रदूषण है वो किन कारणों से जो आपका होता है उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर उनको, इन कारकों पर अगर ध्यान रखा जाए, तो हमारा जो जल प्रदूषण है उसको काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, ठीक है। जल प्रदूषण को हम लोग बचा सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका जो है जल को प्रदूषित करने वाले जो आपके कारक हैं दोस्त, वो क्या हैं, निम्न हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने आरएसी पर और एनर्जी कंजर्वेशन पर भी कई सारी वीडियोस बनाई, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको उससे बेनिफिट होने वाला है। और इसकी पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं होता है तो आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जो आपका जल प्रदूषण उत्पन्न करने के इसके कारक, सबसे पहले आपका जो प्राकृतिक प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि संबंधी प्रदूषण आपका। थर्ड आपका दे रहा है खनन प्रदूषण। फोर्थ आपका दे रहा है नगर पालिका प्रदूषण। और फिफ्थ आपका दिया गया है औद्योगिक प्रदूषण। ये क्या है, जल प्रदूषण उत्पन्न करने के जो आपके कारक हैं, इन सब के द्वारा क्या होता है, आपका जल जो होता है प्रदूषित होता है। अब इनको वन बाई वन करके भी दोस्त हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इनके जो आपका एग्ज़ाम है उसमें इन सब की डिटेल लिखने को आती है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपका, 100%
एक एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बाकी आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज होगी, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज होगी वो भी लोग चलाएंगे, ठीक है, जैसे आपकी थर्ड सेमेस्टर पर चलाई गई थी। तो दोस्त बात करते हैं जो आपका प्राकृतिक प्रदूषण है वो क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक क्रियाओं के कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। जो आपका प्राकृतिक क्रियाओं के कारण भी क्या होता है, आपका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। कैसे हो जाता है उसकी बात कर लेते हैं। हवा में मिले हुए धूल कण और गैस, जो आपकी गैसें हैं, वर्षा जल के साथ मिलकर जमीन पर आ जाते हैं। जो आपके जब आपकी हवा चलती है, हवा में आपकी हवा चलती है उसमें आपके जो धूल मिट्टी के कण हैं वो क्या होते हैं, और जो गैसें हैं वर्षा के जल के साथ मिलकर जमीन पर आ जाती हैं, जिससे वर्षा जल अशुद्ध हो जाता है। जो आपका वर्षा का जल होता है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। बहते जल में मृदा के घुलनशील, जो आपके घुलनशील लवण मिल जाते हैं। जानवरों का मलमूत्र तथा मृत पेड़ पौधे भी जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब जो आपका, जैसे मान लीजिए आपका जो जानवर है उनका जो मलमूत्र है उससे भी क्या होता है, आपका जल प्रदूषित होता है। और जो पेड़ पौधे जैसे कि मर जाते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे जैसे आपके जो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, अब अगर वो भी पानी में पड़े रहेंगे तो क्या होने लगते हैं, वही पेड़ पौधे जो आपके हैं सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जो आपका जल रहता है वो प्रदूषित होने लगता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया दोस्त उसकी बात कर लेते हैं, कृषि संबंधी प्रदूषण। अब ये कैसा प्रदूषण, इसकी बात कर लेते हैं। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए आजकल रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो फसल है आप लोगों की, उसकी अधिक मात्रा में उपज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या जाता है, आजकल जो रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे अधिक मात्रा में फसल क्या हो, उत्पन्न हो। पहले जो आपका होता था ऐसा कुछ नहीं किया जाता था पहले के ज़माने में। इस प्रयोग से फसल की पैदावार बढ़ जाती है, परंतु इन खादों और कीटनाशकों की कुछ मात्रा अन्न व जल दोनों में मिल जाती है, ठीक है। तो आपके जो कीटनाशक हैं और जो खाद हैं इनकी जो कुछ मात्रा होती है वो किसमें, आपका जो अन्न होता है, ठीक है, और जो जल दोनों में क्या होता है, मिल जाती है, जिसके कारण वर्षा जल के साथ ये पदार्थ घुल जाते हैं। जो आपके पदार्थ हैं क्या होता है, वर्षा जल के कारण घुल जाते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्यों पर अत्यंत घातक होता है। वर्षा जल जो आपका, इसका जो प्रभाव होता है वो दोस्त क्या होता है, मनुष्यों पर अत्यंत घातक होता है। वर्षा जल रिसकर भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, कृषि संबंधी प्रदूषण था। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हुआ है, खनन प्रदूषण, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आपका जो खनन प्रदूषण है उसकी, ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। खानों से प्राप्त खनिज शुद्ध नहीं होते। जो आपके खानों से प्राप्त दोस्त आपके जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते। सबसे पहले इनकी धुलाई की जाती है, ठीक है। धुलाई से प्राप्त जल में मिट्टी के कण एवं अन्य घुलनशील पदार्थ मिल जाते हैं। जो आपके खनन हैं, जो खानों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज हैं, वो क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते। सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्त, इनकी क्या धुलाई की जाती है। धुलाई से प्राप्त जल जो होता है वो क्या होता है, मिट्टी के कण एवं अन्य घुलनशील पदार्थ मिल जाते हैं। यही जल जो आपका होता है अन्य में जल धारा में मिला दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राकृतिक जल प्रदूषण होता है। ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक जल प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो आपका नगर पालिका प्रदूषण है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। नगर पालिका प्रदूषण के अंतर्गत कौन क्या होता है, देखिए, घरों की गंदगी जैसे मलमूत्र, स्नान गृह, ठीक है, स्नान गृह का निस्त्रव और रसोई घर के व्यर्थ जल, कपड़े धोने से प्राप्त साबुन, डिटर्जेंट, मिला जल आदि क्या होता है, सीवर लाइन में मिलती है, ठीक है। और यह जो आपका यह है, यह किसी नदी में गिरा दिया जाता है। जो आपका ये सब जल निकलता है ना, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं तो आपका किसी ना किसी नदी पर दोस्त गिराया ही जाता है, ठीक है। वर्षा जल के साथ सड़कों गलियों की गंदगी भी बहकर सीधे ही यह सीवर पाइपों से होकर नदी में गिरा दी जाती है, जिससे नदी का प्राकृतिक जल से मिलकर प्रदूषित हो जाता है। जो आपका नदियों का जो प्राकृतिक जल है वो किस तरह से दूषित हो रहा है, वो दोस्त इसी तरह से दूषित हो रहा है, जैसे जो आपका घरों से निकलने वाला पानी है
ठीक है, जो सीवर लाइंस का पानी है और जैसे कपड़े धोने का जो भी पानी वगैरह है ना, ये सीधे कहाँ पर नदियों पर गिराया जाए। अभी तक तो आपका जो गंगा नदी है उस पर भी गिराया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से उसमें रोक लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता भी इसी कारण से जो आपका क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार से होता है उसकी दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, औद्योगिक प्रदूषण जो है, अधिकतर उद्योग अपने उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में जल का यूज़ करते हैं। जो आपका अधिकतर उद्योग है वो अपने उत्पादन के निर्माण प्रक्रिया में जल का यूज़ करते हैं। जल के अलावा कई रसायनों का यूज़ किया जाता है। जल के अलावा भी आपके कई ऐसे रसायन हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जो आपके जल के अलावा भी इनका कई यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके कई तीव्र क्षार जहरीले पदार्थ हों जो आपके रासायनिक का यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके क्या होते हैं, कई जो आपके तीव्र अम्ल क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्षार जो होते हैं जहरीले पदार्थ होते हैं, पदार्थ हो सकते हैं। इन रासायनिक पदार्थों युक्त जल सीवर के माध्यम से जल नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे प्राकृतिक जल प्रदूषण हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो दिया गया है, जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है इनकी बात करते हैं, जल प्रदूषण से क्या क्या आपका इफेक्ट होता है, पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे पदार्थ आदि पर जल प्रदूषण का हानिकारक जो आपका प्रभाव होता है वो पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, उसकी बात करेंगे मनुष्य पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें मनुष्य कौन कौन सी बीमारी होंगी इसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मनुष्यों पर जो इसका प्रभाव होता है वो देख लेते हैं। दूषित जल का मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो अगर जो आपका दूषित जल है अगर वो मनुष्य पिएगा तो उसके स्वास्थ्य पर क्या होगा दोस्त, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। दूषित जल से होने वाली जो आपकी बीमारियां हैं, जल को प्रदूषण की मात्रा पर निर्भर करती हैं। जो आपका दूषित जल है उसके पीने से होने वाली जो बीमारियां हैं वो जल के प्रदूषण की मात्रा पर निर्भर करती हैं, कि जल आप जो पी रहे हैं वो कितना ज़्यादा प्रदूषित है उसकी मात्रा पर निर्भर करेंगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आपका जो पीलिया हो गया, हैजा हो गया, दस्त हो गया, टाइफाइड हो गया, जैसी बीमारियाँ प्रदूषित जल, ठीक है, प्रदूषित जल के पीने से ही होती हैं। और भी जो आपकी बीमारियाँ हैं वो भी हैं। ठीक है, जैसे आपका दिया है सीसा, कैडेनियम, ठीक है, पारा व अन्य विषैले पदार्थ आदि पानी, अगर इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर में पहुंच जाए तो घातक बीमारियों जैसे, अगर इनकी दोस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी शरीर के अंदर पहुंच जाए तो क्या घातक बीमारियों का रूप ले लेती है, जैसे हृदय संबंधी रोग, कैंसर आदि बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रदूषित जल को पीने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं, जलीय परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, उसकी भी बात कर लेते हैं। तालाबों, नदियों, झीलों, नहरों व जलाशयों का जलीय परितंत्र होता है। इसमें जीवों की अनेक प्रजातियां व वनस्पति होती हैं। तो आपके जो तालाब हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, नहरों पर जो आपका जलीय परितंत्र है, इसमें क्या होता है, अनेक जीवों की प्रजातियां रहती हैं और वनस्पति आपके रहते हैं, पेड़ पौधे जो होता है जल में उगते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो प्रदूषित जल के कारण जो आपके जल में रहने वाली जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं और जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या हो जाते हैं, सब आपके नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पेड़ पौधे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जल प्रदूषण का। यदि सिंचाई के लिए प्रदूषित जल का यूज़ किया जाए तो प्रदूषक पदार्थ पेड़ पौधे को नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब, जो आपका प्रदूषित जल है अगर उसका सिंचाई के लिए यूज़ किया जाएगा तो आपका जो प्रदूषित जल के कारण क्या होगा, जो उसमें प्रदूषण उत्पन्न है उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उनकी जो वृद्धि है वो क्या होती है, रुक जाती है। पेड़ों के माध्यम फलों में प्रदूषण, जो आपका पेड़ है उसके माध्यम से उसके जो फल हैं उसमें भी प्रदूषक पदार्थ पहुंचकर उन्हें जहरीला बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मनुष्य के
मनुष्य के इस फल के सेवन से मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं। कहने का मतलब आपका जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी हम लोगों को प्रदूषित जल नहीं डालना चाहिए। अगर उनमें आप प्रदूषित जल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो सिंचाई करेंगे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब वृद्धि नहीं होती है। और अगर जो उनमें फल है उसमें भी प्रदूषण के जो कुछ तत्व वो पहुँच जाते हैं, और उन्हीं प्रदूषित फलों का अगर जो मनुष्य वो सेवन करेगा तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात अब हम लोग कर लेते हैं, पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रदूषित पानी के संपर्क में पदार्थों को आने से उनका संक्षारण होने लगता है। ठीक है, जो आपका प्रदूषित पानी है के संपर्क में आने से जो आपका पदार्थ है उसका क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, जिसके कारण पदार्थ की आयु घटने लगती है। जो आपकी पदार्थ है उसकी आयु क्या होने लगती है, घटने लगती है, आयु सीमा उसकी कम होने लगती है। दूषित जल से पानी के पाइप, पंप, वाल्व व अन्य उपकरण खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब जो आपका पदार्थों पर इफेक्ट पड़ता है, जो आपका जो दूषित पानी है इसके संपर्क में जो आने वाले पदार्थ हैं उनकी क्या होती है, संक्षारण होने लगता है, और उनकी जो लाइफ होने होती है वो कम होने लगती है। और दूषित जल से जो आपका से पानी के जो पाइप है, पंप है, वाल्व, अन्य उपकरण क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये आपका क्या था, पदार्थ पर इफेक्ट था दूषित जल का। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जीव जंतुओं पर प्रभाव। जीव जंतुओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए जो आपका जीव जंतु है उन पर भी दूषित जल का जो है बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। अगर वो भी लोग दूषित जल को पीते हैं तो वो भी एक तरह से बीमार हो जाते हैं, और क्या होता है वो उनकी भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए जैसे आप लोग पेड़ पौधों को दूषित जल से सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वही पेड़ पौधों को जो जीव जंतु हैं उनको खाकर ही तो वो जीवित रहते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो अगर जो उससे फल निकलते हैं वो फल को भी वो लोग सेवन करते हैं तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो एक तरह से ये भी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका जल प्रदूषण है उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके जो PDF और नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पा सकते हैं।